हे वाट्सएप एवरी वन स्वागत है आपका हमारी एक और नई ड्रीम इलेवन की टीम के प्रोडक्शन के, के वीडियो में सो so, सु इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के सेकंड टेस्ट के मैच के बारे में कैसे फर्स्ट मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था गाइज इंडिया टीम ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी बट गाइज वो वन विकेट से रह गई थी गई वरना वो न्यूजीलैंड को फर्स्ट मैच में ईजिली हरा देती है बट गाइज ओवर थोड़े से कम पड़ गए इंडिया आखिरी विकेट नहीं ले पाई कई इस मैच में गायज हम आपको इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम प्रोवाइड करने वाले हैं प्लेयर प्रोडक्शन करने वाले हैं टीम एनालिसिस करने हैं करने वाले हैं एंड गाय बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं जैसे कि आप यहां पे चेक कर, कर सकते हैं कि वो प्लान करा हुआ है फाइव थाउजेंड रुपीज़ का इसमें कैसे ज्वाइन करने है आपको हम ये वाली बात बताने वाले हैं वीडियो के बीच में तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना सो so गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे दो कम कर दीजिए एक तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना हमारे टेलीग्राम चैनल मस्शन कर लेना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कमेंट सेक्शन में पेन कर दिया आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी टॉस होने के बाद सो गाय टेलीग्राम चैनल मस्चेंड कर लेना गैस अगर हम बात कर लें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन के बारे में गाइज इंडिया की तरफ से बड़ी न्यूज निकल के आ रही है विराट कोहली वापस आ चुके हैं गाइज आपको पता था गैस विराट कोहली अपने जो है ना टी ट्वेंटी सीरीज़ खेले थे ना फर्स्ट मैच खेल टेस्ट मैच खेले थे बट हाँ न्यूज़ यही थी कि विराट कोहली सेकंड मैच में आ जाएंगे एंड विराट कोहली वापस आ चुके हैं इंडियन टीम में एंड वापस आ चुके हैं तो गए इंडियन को क्या इंडिया की कैप्टन सी भी विराट कोहली के हाथों में वापस दे दी जाएगी श्रेयस सैर से वही बात कर ले न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड में गाइज़ फ़िलहाल के लिए हमें कोई इतना बड़ा चेंज नहीं लग रहा लास्ट मैच में गैर रचिन रविंद्र एंड गाइज आज़ाद पटेल ने लास्ट मैच के काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी गायज़ इस वजह से गाइज जो अपना इंडिया टीम है गाइज वो मतलब मैच ड्रॉ हो गया था मतलब जीत नहीं पाई थी तो so गाइज अगर हमें इस मैच में जीतना है तो गाइड थोड़ी सी हमें और एग्रेसिव बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर हम यहाँ पे बात कर लें इंडिया टीम की टीम बिल्ड्स के बारे में अगर हम बात कर लें अब टॉप ऑर्डर बैट्समैन में पे शुभमन गिल गिले मयंक अगरवाल आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे देंगे दोनों ही मतलब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं फिलहाल दोनों ने लास्ट की दोनों इनिंग्स देखी थी गाइज कुछ अच्छा नॉक नहीं खेला दोनों ही बैट्समैनों ने थोड़ी बहुत स्टार्ट तो मिला था बट क्या उनको बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए दोनों ही बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में आएंगे कहा यहाँ पर चतेश्वर पुजारा चतेश्वर पुजारा अच्छी बैट्समैन बैटिंग करते हैं टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया टीम के बट फिलहाल वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं उनके साथ में आएंगे अपने विराट कोहली लास्ट मैच सही है दोनों ने ये दोनों दोनों इन पूरी दो है इंडिया की बैटिंग डिपेंड करेगी क्योंकि आपको पता है लास्ट मैच में श्रेय सैर ने काफी अच्छी इनिंग खेली थी हंड्रेड रन स्कोर भी करे थे अगर हमें बात कर ले विराट कोहली विराट कोहली तो कहते अपने कैप्टन है तो कई अगर हम बात कर ओवरऑल तो इंडिया की टीम रिलाय करेगी वो अपने चितेश्वर पुजारा पर रिलाय करने वाली है विराट कोहली पेन श्रेष्ठ

अगर हम टेस्ट क्रिकेट में बात कर लेंगे बहुत की प्लेयर रहने वाले हैं इंडिया टीम की तरफ से आपको बहुत लेट बैटिंग करने करते हुए दिखाई देंगे बट गाइस अच्छी मतलब टिक के बैटिंग करना जानते हैं रविचंद्र अश्विन मैं बात कर ले बॉलिंग में बॉलिंग में क्या रविचंद्र अश्विन आपको आपके आपने परफॉर्मेंस देखी थी रवि रविंद्र जडेजा का भी सेम वही सीन सीना है बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं अगर हम बात कर लें यहाँ पे पेस बोलिंग में पेस बोलिंग में यहाँ पे कहते आपको उमेश यादव है ईशान शर्मा आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे बट गायज हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज मिल दिखाई देने दे, 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 को मिल जाएगा यहाँ पर ईशांत शर्मा की जगह कहते आपको यहाँ पे मोहम्मद सिराज आपको इन करते हुए दिखाई दे सकते हैं टीम इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूज़ीलैंड की टीम अपडेट्स के बारे में तो कह न्यूज़ीलैंड काफ़ी खुश होगी जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच में गाइज अपनी टीम को सर्वाइव करवाया था आखिरी तक ड्रॉ करवाया था अमेरिका इस बहुत बड़ी बात होती है अगर आपके पास आठ दस ओवर हो और आपके नौ विकेट जा चुके हैं आपको एक विकेट बचा के रखने तो का जो इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं मतलब जो टे लैंडर्स है उन्होंने काफी अच्छी मतलब टिके बैटिंग करी थी जिससे गए आठ दस ओवर आराम से टिक गए थे गये वो विकेट आउट विकेट खोए थी इस वजह से मैं हो गया तो इंग्लैंड वही वही बात है न्यूजीलैंड काफी ज्यादा इस टाइम पर हैप्पी होगी अगर हम बात करें यहाँ पर टॉप ऑर्डर बैट्समैन के बारे में टॉम रहता है मैन विलियम काफी अच्छी अगर हम बात करें लें धोनी की जोड़ी काफी अच्छी जोड़ी है यहाँ पे लास्ट मैच में देखा था फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग करती दोनों बैट्समैन ने मिडिल ऑर्डर

अपने इंडिया के स्पिनर्स कौन कौन अक्षर पटेल रविचंद्रन अश्विन एंड गए रविंद्र जडेजा गश तो इन तीनों ने ही पूरी न्यूजीलैंड की टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया था गए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सजेस्ट क्या मैं दावे के साथ कह रहा हूँ गाय हमें ये तीनों ही प्लेयर अपनी टीम में लेके जाने पड़ेंगे क्योंकि गए तीनों ही काफी अच्छी फॉर्म में है बॉलिंग में गए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है और बैटिंग भी तीनों ही कर लेते हैं गाय तो काफ़ी अच्छी पिक रहेगी गए तीनों मैं कहूँगा कि तीनों ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखना बहुत आपको अच्छा परफॉर्मेंस आपको करके दिखा सकती है कल के मैच में परसों के मैच में टीम इंडिया अगर हम बात कर ले यहाँ पे की प्लेयर्स के बारे में की प्लेयर यहाँ पे कि इंडिया की तरफ से नहीं चेतेश्वर पुजारा विराट कोहली शेष सैयारा जिनके हाड़े में से कोई एक प्लेयर खेलेगा तो कहे वो रविंद्र जड़ेजा अक्षर पटेल एंड रविचंद्रन अश्विन न्यूजीलैंड की तरफ से कहा टॉम लेथम केन विलियमसन ट्रॉस टेलर हैंनरी निकोलस टिम साउथी एंड कायली जेमिसन वहीं बात कर लेगा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अपने वेन्यू के बारे में यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में तो गए पिच रिपोर्ट पर थोड़ा सा आपको बाउंस देखने वान खड़े की स्टेडियम है तो कह आपको थोड़ा सा बाउंड बाउंस यहाँ पे दिखाई देने देने को मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर वहीं पर समुद्र ऐसी है तो कहीं हवा अच्छी चलेगी काइली जेमिसन को कह कल के मैच में बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है मैं आपको कह रहा हूँ काइली जेमिसन को काफ़ी अच्छा एडवांटेज उनको देखने को मिल सकता है अगर एड बाउंस मिलेगा तो कैसे कहीं ना कहीं यहाँ पे बैट्समैन को भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट होगा क्योंकि बैट बाउंस मिलता तो बल्ले पे बॉल आती है बहुत अच्छे से आती है बैट्समैन को भी एडवांटेज है वहीं पे स्पिनर्स को हमें देखना पड़ेगा क्या इंडिया के स्पिनर्स इस चीज पे कैसा परफॉर्म आपको करके दिखाते हैं तो कैसे चलते अपनी मैं आपको बता दूँ पहले गिवर में कैसे ज्वाइन करने का गिवर में ज्वाइन करने के लिए आ आपको वहाँ पर टीम सेक्शन दिखाई दे जाएगा नीचे गए तो आपको इस टीम सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है ये जैसे को आप टीम सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सजेस्ट टीम का ऑप्शन दिखाई दे रहेगा आपको यहाँ पे आपके का अपनी टीम सजेस्ट करनी है जैसे कि मैं आपको वाइस सजेस्ट करके दिखाता हूँ अगर मैं रैंडम टीम बना के दिखा रहा दिखाऊंगा तो मेरी फाइनल टीम ही रहने वाली है यहाँ आपको जो एग्जाम्पल के तौर तो पर बता के दिखा रहा हूँ कैसे आपको ज्वाइन करनी है कप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहेगा आपको इस सबमिट के ऊपर क्लिक करना है जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप कायद आपने हमारा जो गिवअप है इसमें पार्टिसिपेट ले लिया आपको कुछ नहीं करना पॉसिबल इलेवन के एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया टेन रुपीज़ का इंसेंट कैशोरेंस आपको मिल जाएगा गाइस वहाँ से आपको आप जाकर अपने हमारे मैच के ऊपर क्लिक करना है मैच के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे गाइस आप यहाँ टीम्स के ऊपर जाके आपको आराम से अपनी टीम बनानी है जो आपको लगता है कि आप बेस्ट प्लेयर है कि गाइस आपको ये प्लेयर आपको अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करके दे सकता है आप वही प्लेयर लेके जाना गाइस कैप्टन बनाना वाइस कैप्टन बनाना गाइस अपनी टीम बना के ज्वाइन करना गाइस फ्री का गिव अवे है जरूर ज्वाइन करना सो गाइस चलते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ सो कह सकेंगे हम विकेट कीपर सेक्शन के ऊपर नजर डाल लेते ले हैं विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास बल्डर एंड साह धोनी काफ़ी अच्छी पिक रहते हैं गाइस सहा ने साहब पर थोड़ा लेट बैटिंग करने आते हैं गाइस इस वजह से साहब पे मैं इस बार नहीं जाने वाला इस बार मैं कैसे ब्लेंडर को लूंगा गाइस साह थोड़ा सा हाँ ब्लेंडर भी थोड़ी लेट बैटिंग करने आते हैं बट गाइस अगर हम कंपेयर करें साह से तो गाइस ब्लेंडर मेरे को इस बार ज़्यादा कुछ अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं मैं फिलहाल ब्लेंडर के साथ जाना चाहूंगा यहाँ पे इंडियन बैट्समैन के बारे में बात कर ले पहले तो विराट कोहली का उनकी वापसी हो चुकी है विराट कोहली को हम बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते हैं। मैच से कहते वापसी हुई है जरूर आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं विराट कोहली कल के मैच में उनके साथ में कहा केन विलियमसन का दोनों टीमों के कैप्टन गए हम जरूर लेंगे कैसे बैक बोन है दोनों ही अपने अपनी अपनी टीम्स की विराट कोहली इंडिया टीम की बैक बोन रहेंगे केन विलियमसन अपने न्यूज़ीलैंड टीम की बैक बोन रहेंगे टॉम लैथम ने लगा तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है टॉम लैथम को हम जरूर पिक करेंगे यहाँ पे का अपने जो चौथे प्लेयर रहने वाले हैं इस पिक करने के लिए अगर हम बात कर लेगा तो यहाँ पर श्रेय सैयर का श्रेय सैय्य को आप ज़रूर पिक करना क्या श्रेय सैयर अभी अगर खेलते हैं तो गैज मैं श्रेय सैयर को पिक करूँगा अगर हाने खेलते तो गए यहाँ से मैं अपने विलियम को ले लूँगा फिलहाल गैज में हम श्रेय सैयर के साथ जाना चाहेंगे ऑलराउंडर में देख लें ऑलराउंडर में यहाँ पे कहते रविचंद्रन अश्विन रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल का तीनों ही ऑलराउंडर को गैद पिक करना गैज मैंने तीनों ऑलराउंडर को पिक कर लिया है तीनों ही मेन आपको कल के मैच में मैच पलटते तो दिखाई दे सकते हैं न्यूजीलैंड का पता साफ करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था काफ़ी अच्छी बॉलिंग करती तीनों ही बॉलरों ने अगर हम बात करें कर ले बॉलिंग डिपार्टमेंट बॉलिंग डिपार्टमेंट में काली जेमिसन टेम्स साउ का दोनों ही मेन बॉलर अपनी लेके चलना क्योंकि काली का का जेमिसन को कल आपके मैच में आपको अच्छा बेनिफिट कर प्रोवाइड करके दे सकते हैं क्योंकि थोड़ा बाउंस मिलेगा काली जेमिसन की हाइट आपने देखी है तो बाउंस के साथ साथ गए आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इंडियन बैट्समैन को अगेंस्ट कारली जेमिसन कैसे लास्ट वीक अपनी रहेंगी उमेश यादव के साथ अगर हम बात कर ले कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के बारे में तो कैसे विदाउट ऑन डाउट कैसे फिलहाल मैंने आपको कैप्टन बनाऊंगा कैसे रविचंद्रन अश्विन को कैसे रविचंद्रन अश्विन बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम इंडिया की तरफ से गए फिलहाल अभी हम गए रविचंद्रन अश्विन के साथ ही जाना चाहेंगे वाइस कैप्टन में निकलेगा वाइस कैप्टन में अपने पास रविंद्र जडेजा काफी अच्छी पिक रहने रहने वाले गए रविंद्र जडेजा ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी लास्ट के मैच में उनके साथ में कहा था तो वाइस कैप्टन की पिक केन विलियमसन के साथ भी अच्छी रहने वाली है केन विलियमसन भी आपको कल के मैच में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं फिलहाल कहते तो मैं आपके केन विलियमसन को भी वाइस कैप्टन बना रहा हूँ बस ये मेरी फिलहाल के लिए फाइनल टीम बनाने में रहने वाली से मैं सारे काउंटर्स ज्वाइन करूंगा इस होप्पस हो गया आपको टीम अच्छी लगी होगी इस फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी टॉस होने के बाद तो क्या टेलीग्राम चैनल मस्ट रन कर लेना वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना हमारा गिव अवे जरूर ज्वाइन करना का फ्री का गिव अवे बिल्कुल मिस मत करना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय